फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं लखनऊ में हूँ और यहाँ पर महामृत्युंजय जाप की पूजा चल रही है 10 दिनों के लिए। तो अभी मैं बस रेडी हुई हूँ और मैं ऊपर पूजा के लिए जा रही हूँ। मम्मी पापा भैया वो लोग ऊपर पूजा के लिए पहुँच चुके हैं। और हाँ, सॉरी, मैं कल का अपडेट नहीं दे पाई। कल बहुत ज़्यादा काम था। कल मैं मौसी को पिक करने गई थी, वो एक पिकअप पॉइंट तक पहुँच गई थी, तो वहाँ से पिक किया मैंने मौसी को। मेरी भाभी चली गई हैं, उनको घर पे कुछ काम था, और मौसी आ गई हैं। तो अब थोड़ी बहुत जो हमारी हेल्प होनी है वो मौसी कराएंगी और भाभी हवन वाले दिन आएंगी। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के पूजा में थोड़ी देर शामिल होते हैं। गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसोममयाहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधमे ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सत्यस्वकः सुभद्रां गाम्भीर्यवस्थिनीमा ॐ गौर्यै नमः ध्यानं समर्पयामि। हेलो फ्रेंड्स, अब क्योंकि आज 21st है और कल 22nd है, तो यूपी में क्योंकि राम मंदिर के लिए सब लोग राम जी का स्वागत करने के लिए दिवाली मना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आज लाइटिंग्स करवा रहे हैं और दिवाली के लिए पूरी दिवाली जैसी प्रिपरेशंस हो रही हैं। तो ये देखिए, ये हमने दो इलेक्ट्रिशियंस बुलवाए हैं और ये लोग लाइटिंग्स लगा रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रिशियंस। और यहाँ पे मेरी मौसी और मौसी की बहू, हाय। और ये लोग सब्जियां साफ कर रही हैं, रात के खाने के लिए तैयारी कर रही हैं। और फिर पंडितों का रात में खाना बनेगा अभी तो जैसे ही लाइट्स लग जाएंगी, रात में एक बार लाइट जला करके हम जरूर आपको पोस्ट करेंगे। टेप ऐसे निकालना, हम बताएंगे जैसे जैसे वैसे कर देना। तो टेप तो दीजिए, वही वाला हम कर देना यार। ओके ओके ओके, ऐसे जलते पे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, हम वहीं से करना पड़ेगा सारा। तो फ्रेंड्स, अब लाइट ऑन हो गई है, कनेक्शन हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में एक आतंकवादी घुस गया है। ये हेलो हेलो। और भैया, ये भैया हैं और ये उनका बेटा है, ये भाभी हैं हमारी एक और ये लोग जब आए थे तो मैंने शूट किया नहीं था, पर अब ये लोग जा रहे हैं, अब शाम हो चुकी है तो ये लोग अपने घर जा रहे हैं। अब ये लोग हवन वाले दिन दोबारा आएंगे तो हम दोबारा मिलेंगे। फ्रेंड्स, भैया भाभी जा चुके हैं अब, और अब हम चलते हैं ऊपर आरती के लिए फटाफट। बाकी सब तो जा ही चुके हैं, हम लोग भी चलते हैं। ब्लॉगर दीदी आ रही है। मेरा ब्लॉग बन रहा है, कौन है फोन पे?
फोन पे विकी, ये जो भाभी थी बड़ी वाली, उनके बेटे हैं ये सुपुत्र, घुमाओ इनको, ये सुपुत्र हैं उनके, इनके साथ वीडियो कॉल चल रहा है और हम लोग आरती में आ गए हैं, तो देर ना करते हुए हम लोग आरती में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पंडितों के लिए डिनर प्रिपेयर हो रहा है। हम पूछ लेते हैं यहाँ बबलू भैया ने क्या बनाया है आज। बबलू भैया, क्या है आज डिनर में? लौकी सब्जी टमाटर की। अच्छा, लौकी और टमाटर की सब्जी है और सिंघाड़े के आटे की रोटियां हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ है। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी बन रही है सिंघाड़े के आटे की और बबलू भैया बेल रहे हैं। बबलू भैया बेल रहे हैं। मौसी जी रोटी सेक रही हैं। और इसमें क्या है, इसमें तो पानी गर्म किया है और कढ़ाई में है, कढ़ाई खोलिए, सब्जी भी तो दिखाएंगे हम। ओहो, ये देखिए यम्मी यम्मी लौकी की सब्जी, लौकी टमाटर की और धनिया की चटनी भी बनी है। ये देखिए धनिया की चटनी। तो पंडित, सभी पंडितों का खाना तैयार हो रहा है, उसके बाद सभी लोग अपना भोजन ग्रहण करेंगे और फिर सब आराम करेंगे। कल फ्रेंड्स फिर सुंदरकांड भी होना है, तो शाम को होगा सुंदरकांड। अभी हमने जो आज शाम को लाइट्स लगाई थी, हम एक बार वो भी देख लेते हैं कि कैसी लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आ गए हैं वॉक करने के लिए रात में, और बहुत ठंड है इसलिए मैंने भी बहुत ज़्यादा शॉल वॉल ओढ़ ली है। आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत ठंड है यहाँ पे। और ये देखिए मेरी मौसी, जिन्होंने सुबह से लेकर के, नहीं कल से लेकर के एक ही शॉल ओढ़ रखी है, और इनको बहुत ज़्यादा ये कॉन्शियस हो रही है कि हाँ इनकी एक ही शॉल हर जगह आई जा रही है। तो गाइज, ये जो लाल शॉल में है, ये आपको 24 तारीख तक लाल शॉल वाली मेरी मौसी हैं, ये ध्यान रखना है। और मम्मी, हम लोग सब लोग जा रहे हैं, जो पंडितों ने अग्रासन निकाला था गाय के लिए, वो हम गाय को देने जा रहे हैं। हम गाय ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। हेलो गाइज, हम गाय ढूंढ रहे हैं। हाय गाइज, ये मेरी मम्मी थी। ये देखिए हर एक गली से हम जहाँ निकल रहे हैं, हम गाय ढूंढ रहे हैं कहाँ है गाय। अरे गाइज, हमें गाय मिल गई है। गाइज गौ माता ने सब कुछ खा लिया है, जो भी हम लेकर के आए थे, और मम्मी का हाथ भी चाट गई है वो, हमारी गैया मम्मी का हाथ चाट गई है गाय के ग्रासन के साथ साथ। तो अब हम वापस जा रहे हैं, हमारा जो टास्क था गौ माता को ग्रासन खिलाने का वो पूरा हो गया है।
तो अब हम घर वापस जा रहे हैं। तो गाइज अब बस हम घर पहुंच गए हैं और अब हम जाएंगे, चाय पियेंगे और सो जाएंगे। मिलते हैं कल आपसे। ओके बाय, गुड नाइट।